हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं केले से एक रेसिपी। तो ये कच्चे केले मैंने ले लिए हैं, ये देख सकते हैं। तो 5 केले हैं, तो इनको हम सबसे पहले छील लेंगे, छील के काट लेंगे। तो ये मैंने केले जो हैं छील के कट कर लिए हैं और इनको धुल लिया है अच्छे से। अब हम कुछ और चीज़ें लेंगे। अब मैंने दोस्तों ले ली है चने की दाल। तो ये बड़ी कटोरी मैंने चने की दाल पानी में भिगो दी है, तो ये देख सकते हैं ये भीग रही है। और अब हम लेंगे कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसाले मैंने ली है काली मिर्च, जीरा, और ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और जो ये लकड़ी वाला मसाला आता है, और ये खसखस, और ये जो घास वाली आती है, मतलब जो भी आपके पास खड़े मसाले हों वो आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कुकर में भर देंगे, मतलब चने की दाल, केला और ये मसाले, और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डालेंगे। दाल के बराबर से पानी डाल के और इसको पका लेंगे। पकाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। देखिए 5-6 सीटियाँ लग चुकी हैं और ये सीटी भी निकल चुकी है, तो अब हम खोल के देखते हैं। तो ये दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है, तो अब इसको बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। तो इसको हमने निकाल लिया है बर्तन में, इसको ठंडा होने देंगे, फिर मिक्सर जार में डाल के इसको पीसेंगे। कि पेस्ट ठंडा हो चुका है, अब हम इसको मिक्सर जार में डाल लिए हैं, इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए सारी दाल मैंने पीस ली है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ा सा प्याज करके डाल देंगे, कट करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहीं पे हम देख लेंगे नमक, कड़ू सब देख लेंगे कि सही है कि नहीं। और इसी में थोड़ा सा हम डाल देंगे घी। तो ये 1.5 चम्मच हमने घी डाल दिया है, इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर कबाब बनाएंगे। तो ये मैंने टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं और इधर तवे पे हमने तेल चढ़ा दिया है। तो अब हम टिक्कियों को इस तेल में रख देंगे और बहुत ही धीमी आंच पे इनको पकाएंगे। ये देखिए ऐसे सारी रख देंगे टिक्कियाँ। तो ये मैंने सारी टिक्कियाँ रख दी हैं और धीमी आंच पे इनको पकाएंगे, ब्राउन होने तक अच्छे से दोनों तरफ पलट के भून लेंगे। तो ये देखिए पलट दिया है हमने सारी टिक्कियों को, और एक तरफ ब्राउन हो चुकी हैं, ऐसे ही धीमी आंच पे हम अच्छे से ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, अब हम सर्व करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों कच्चे केले के कबाब जो हैं वो बनकर रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी, क्योंकि इसमें चने की दाल का भी हमने यूज़ किया है और कच्चे केले का यूज़ किया है, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मैंने पराठे के साथ में सर्व किया है, आप लच्छा पराठे के साथ में भी खा सकते हैं, उसके साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो लच्छा पराठा हम अगर बनाते तो मैदे का बनाते तो वो अनहेल्दी होता है, इसलिए हमने ये तिकोन पराठे बना दिए हैं गेहूँ के आटे से। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और बनाकर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कबाब जो हैं केले के कैसे बने। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक्स कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में, फ्रेंड फैमिली में, सब में शेयर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल को पहली बार दोस्तों देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में दिख रही बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हम जो न्यू वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।